बाल मंदिर नर्सरी एवं बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में मंगलवार को 66वीं जिला स्तरीय 17 से 19 वर्षीय आयु वर्ग छात्र छात्रा कुश्ती प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जिला शिक्षा अधिकारी मांगीलाल सोलंकी ने मुख्य अतिथि प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र दादीश, महेंद्र साकला, बाल विकास समिति अध्यक्ष लालचंद मुंद्रा, महेश मालू, विजय किरण कांखानी, श्याम सुंदर जाजू, विजय झंवर, लालचंद हेड़ा, राजेश झंवर, टेक्निकल कमेटी चेयरमैन कमल भाटी एवं प्रधानाचार्य श्रीमती अजय रानी माहेश्वरी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। समापन समारोह का शुभारंभ अतिथियों ने माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पश्चात सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर लालचंद मुंद्रा ने विजेता व उपविजेता रहे सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। टेक्निकल चेयरमैन कमल भाटी ने प्रतिवेदन पढ़कर सुनाया। कार्यक्रम के दौरान सभी विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। वे प्रतियोगिता में चैंपियन रहे विद्यालय व टीम प्रभारी को ट्रॉफी प्रदान की गई। 66वीं जिला स्तरीय 17 से 19 वर्षीय कुश्ती प्रतियोगिता में विद्यालय की दो छात्राओं ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। एक छात्रा ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। 62 किलो भार वर्ग में तनिषा चौहान, 68 किलो भार वर्ग में महिमा जोधा ने प्रथम तथा 72 किलो भार वर्ग में वैभव कुमावत ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम की इस कड़ी में निर्णायक गण गोपाल प्रजापत, किशन लाल प्रजापत, मनोहर लाल सोलंकी, अब्दुल अहद, चेतन कच्छावा, गोपाल जटिया, बद्रीलाल चौधरी, दीपक गौड़ एवं श्रीमती अनिता सैनी सभी का विद्यालय की ओर से प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में 19 वर्ष छात्रा वर्ग में बाल मंदिर नर्सरी एवं बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 17 वर्ष छात्रा वर्ग में चैंपियन कैडी जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर प्रथम रहा। इसी प्रकार 19 वर्षीय छात्रा प्रतियोगिता में भगत सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय जेतारण, वे 17 वर्ष छात्रा कुश्ती प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरोज चैंपियन रहा। समारोह में शाला परिवार से लता चेत्रिया, दिनेश कुमार शर्मा, वीरेंद्र सिंह चौहान, हेमंत शर्मा, मनमोहन सिंह चौहान, राजेंद्र सोमानी, ऋषिराज सारस्वत, मधु साखला, सरिता शर्मा, मधु शर्मा, पूजा अग्रवाल एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम के अंत में संस्था प्रधान द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया।